So I said that whenever you have something opposite, थीटा के अपोजिट जो साइड होती है उसकी लेंथ को हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर कहते हैं, राइट। इफ दिस इज द थीटा अंडर कंसिडरेशन, देन ये जो फोर वाली साइड है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा थीटा है, वहीं से हमारा जो थीटा के अपोजिट होता है वही परपेंडिकुलर होता है। जिस तरीके से 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है ना, वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, ऑलवेज। और जो तीसरा साइड रह गया, जिसको हम लोग एडजेसेंट बोलते हैं, वो हमारे पास क्या रह जाता है, वो बेस रह जाता है, ठीक है। तो इतनी सी बात हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। और क्या पढ़ा है आपने, और आपने 10th क्लास तक क्या पढ़ा है, और आपने ये वैल्यूज़ पढ़ी हैं, राइट। आपको ये वैल्यूज़ याद है। हाँ, यहाँ पे मैं बार बार इस पे लास्ट क्लास से ही एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अब आप लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल किस में होना है, रेडियंस में, ठीक है। अभी तक आप डिग्री में कंफर्टेबल थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब में आप कंफर्टेबल थे। मैंने इसका तुम्हें तरीका भी बताया था कि साइन थीटा को किस तरीके से देखना है, कॉस थीटा को कैसे देखना है ना। टैन क्या हो जाता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना। देखो, जो तुम्हारे पास साइन थीटा होता है, अभी अभी तुमने देखा क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं यहाँ पे टैन थीटा के बारे में बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट टैन थीटा, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या ये सही है, ज़रा चेक करते हैं। साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन एच। अपॉन एच अगर मैं कैंसिल कर दूँ, तो क्या ये पी अपॉन बी, क्या इज दैट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टैन थीटा, सर्टेनली यस। तो ध्यान रखना, टैन थीटा को तुम कभी भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, यू विल रिमेंबर दैट, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर इट, वंडरफुल। इफ़ यू डोंट रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर इट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ बेसिक फैक्ट, ओके। फर्दर मैं बार बार क्या एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपने अब किस पे ध्यान देना है, रेडियंस पे। हर चीज़ को तुमने रेडियंस में देखना है, ठीक है। तो रिलेशन तो हमें पता ही है, हम लोग एंगल्स अच्छे से करके आए, क्या पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से डिवाइड करने का, तभी तो 30 होगा, तभी ये पाई बाई 6 हो जाता है। 45 के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। वैल्यूज़ कैसे आती है ये हमने देखा था। आपके 10th तक के स्कोप में 90 डिग्री तक था, ठीक है। 10th तक के स्कोप में क्या था, 90 डिग्री तक वैल्यूज थी, और ये यू आर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज इट, मतलब ये तुम्हें याद होना चाहिए। मैंने तुम्हें इसकी टेक्निक भी पिछली लास्ट क्लास से बताई थी, है ना। क्या बताया था मैंने, मैंने ये बताया था कि यहाँ पे 0 लिख दो, राइट, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, और क्या करो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, और सबका अंडर रूट ले लो, तुम्हारे पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और क्या बताया था, कॉस के लिए क्या बताया था, साइन का ठीक उल्टा चला दो। जैसे यहाँ पे अगर ये 0 है, तो यहाँ पे कॉस 90 हो जाएगा, ये 1/2 है, यहाँ 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 है, 1/√2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और टेन थीटा हमने अभी भी क्या देखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 = 0, 1/√2/10, ये कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 2/√2 = 1, है ना। यहाँ लेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1/0, दिस इज नॉट डिफाइंड, राइट, दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोसेक थीटा आपको सिमिलरली पता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है। तो ये वाली चीज़ तुम बचपन में पढ़ के आए हो, और ये तुमसे एक्सपेक्ट किया था कि तुम इसको याद रखो। अब यहाँ पे ऐसा हमें नया क्या पढ़ना है, एक तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जब कभी भी, अब आपको 90 के बियॉन्ड, 360 के भी बियॉन्ड, आपको अब किसी भी लेवल पे कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, राइट। द एग्जामिनर कैन आस्क यू एनी वैल्यू, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके लिए जो बेसिक है वो तो पता होना चाहिए ना, मतलब ये जो 0 से लेकर के 90 तक है, ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए ना। रेडियंस के फॉर्म में अगर कहो तो 0 से लेकर π/2 तक, ये आपको पता होना ही चाहिए। साइन थीटा अभी हमने देखा था, कॉस थीटा समझा था, टेन थीटा भी समझ में आया था, तो ये वैल्यूज ध्यान। हाँ, इसके आगे भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे के लिए हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, राइट। वी वॉन्ट टू डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग कि आखिर ये वैल्यूज़ कैसे देखते हैं, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है। जैसे तुम्हें यहाँ दिख रहा है कॉस थीटा, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, राइट। साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ, तो साइन थीटा भाई यहाँ तक तो पॉजिटिव दिख रहा है, और यहाँ पे फॉर्चुनेटली ये दोनों जगह पे 0 दिख रहा है। और भी ऐसी बीच में वैल्यूज़ अभी हम लोग चेक करेंगे जहाँ ये नॉन ज़ीरो भी होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। तो आखिर क्या पैटर्न है, राइट, क्यों पॉजिटिव है, क्यों नेगेटिव है, ये सारी बातें हम लोग आज की क्लास में समझेंगे, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखो यहाँ मैंने एक यूनिट सर्कल लिया है, राइट, ASTC यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ASTC काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, राइट, बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तुम्हारा क्या होता है एक्स एक्सिस, ये क्या होता है वाई एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं एक्स डैश बोलते हैं, और नेगेटिव एक्स को क्या बोलते हैं वाई डैश बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक क्वाड्रेंट सिस्टम बना रखा है। आपको पता है कि ये आपके पास क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है बच्चों, एक्स तो हमारा नेगेटिव है लेकिन वाई क्या है पॉजिटिव है। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, ठीक है। तो ये बातें हमें समझ में आती हैं, वी अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स, राइट। अब मैंने बोला कि एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस वन है, वन यूनिट उसका रेडियस है, ठीक है। तो तुम्हें याद होगा हमने पहली क्लास में एक सर्कल लिया था जो मूव कर रहा था, देखो लेट मी ब्रिंग इट बैक हेयर, राइट। कुछ ऐसा सर्कल था, है ना, एक यूनिट सर्कल जो कि इसमें एंगल मूव कर रहा है, राइट, द एंगल इज मूविंग, है ना, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में ट्रैवल कर रहा है। अभी जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, कितना एंगल बन रहा है, जीरो से आगे बढ़ते गया 90 गया, 90 से आगे गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना, अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। सेकंड के बाद ये देखो थर्ड में जा रहा है, राइट, थर्ड से आगे मूव करके कहाँ पे जा रहा है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो ये कितना ही मूव कर ले, कितने भी रोटेशन लगा ले, ये रहेगा तो इन्हीं चार क्वाड्रेंट्स में रहेगा, नहीं रहेगा, यस। और अगर मैं डिग्रीज में बात करूँ तो ये टोटल 360 डिग्री मूव कर रहा है। अगर रेडियंस में बात करूँ तो ये कितना मूव कर रहा है, 2π मूव कर रहा है ना। अगर दो रोटेशन है तो 2π × 2π, यानी 2π + 2π, दैट इज 4π। तीन रोटेशन है तो 6π, 10 रोटेशन है तो 20π, एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे पास यूनिट सर्कल है, राइट, ये जो हमारे पास यूनिट सर्कल है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये वर्क किस तरीके से करता है, और ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा होते हैं, ये हम इसको किस तरीके से कंसिडर करते हैं, इसको इसकी वैल्यूज कैसे देखते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, ठीक है। जैसे अभी ये कहाँ पे है, ये मेरे पास किसी पॉइंट पे है पी, राइट, लेट्स से ये हमारे पास कोई पॉइंट है पी, ठीक है, लेट्स कॉल इट P1, ओके। यूनिट सर्कल है, इसका मतलब ये जो रेडियस है इसका, ये कितना होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। मैं इसको स्टेशनरी सर्कल पे यहाँ पे एनालॉगस यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट मेरे पास कितना है, P1 है। ये एंगल कुछ भी है यहाँ पे, अल्फा एंगल, ये तो वेरिएबल एंगल है, मैं इसको लेट से θ1 कह लेता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं इसको θ1 कह लेता हूँ। इसका, इस पॉइंट का कुछ तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, राइट। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में शायद हम लोग जानते हैं। अगर मैं इसको P1 कह रहा हूँ, लेट से ये मेरा ओरिजिन है और ये वाला पॉइंट मान लो Q1 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, Q1 है, मैंने P1 कहा और ये Q1 कहा, ठीक है, दोनों जगह पे साथ साथ लेके चलते हैं, ओके। तो ये P1 और Q1 है, तो तुम मुझे बताओ ये जो P1 Q1 की जो डिस्टेंस है, क्या मैं इसको Y बोल सकता हूँ, क्या बोलूँगा ना, और OQ1 क्या ये X होगा क्या, यस और नो, ठीक है, दिस इज रिस्पेक्टिवली X एंड Y। अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं इस साइन थीटा वन की बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस साइन थीटा वन, ठीक है, तो साइन थीटा वन आखिर क्या आ रहा है, समझते हैं। साइन थीटा क्या होता है, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स आई वुड से दिस इज वाई अपॉन वन, ठीक है, या चलो इसको मैं आर मान लेता हूँ, लेट्स टेक इट आर, हालांकि यूनिट रेडियस लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, चलो उस यूनिट रेडियस को मैं आर मान लेता हूँ। आर कितना हमारे पास, वन है, क्योंकि कितना हो गया, वाई अपॉन आर आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं cos थीटा की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द cos थीटा, ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज x अपॉन r, एंड इफ आई टॉक अबाउट tan थीटा तो कितना हो जाएगा बेटा, y अपॉन x। आई होप ये तीनों बेसिक बातें आपको समझ में आती हैं। ये थीटा वन है, ठीक है, दिस इज ऑल थीटा वन, ऑल राइट, क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पे y भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, और आर क्योंकि एक फिक्स लेंथ है, तो फिक्स लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कहीं भी चला जाए, ठीक है। आर क्या है, एक फिक्स लेंथ है, उसका फिक्स रेडियस है, तो दैट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ कि इसको रोटेशन को, मैं इसको थोड़ा और इस एंगल को सपोज करो यहाँ पे टर्न करता, राइट, मैं इसको टर्न करता और थोड़ा सा ये एंगल अब इंक्रीज कर गया, राइट, ये एंगल स्लाइटली इंक्रीज कर गया, मतलब ये जब ये यहाँ कहीं पे जा रहा है, ध्यान से देखो, राइट, सेम सर्कल है,
अब एंगल क्या हुआ मेरे पास, इंक्रीज कर गया, मान लो ये थीटा टू हुआ, राइट, द वैल्यू इज नाउ थीटा टू, थीटा हैज इंक्रीज टू थीटा टू। जब थीटा तुम्हारा थीटा टू बढ़ा तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि वाई की साइज बढ़ गई, ये जो वाई था प्रीवियस ट्रायंगल का, लेट्स से ये पी टू है और ये तुम्हारे पास क्यू टू है, तो क्या तुम्हें ये साफ साफ दिखता है कि पी वन क्यू वन से ज़्यादा बड़ा पी टू क्यू टू होगा? कैन यू सी दैट? आई थिंक यस, राइट। एंड सिमिलरली क्या आपको ये बात भी दिखती है कि ओ क्यू वन ओ क्यू टू से ज़्यादा बड़ा होगा, राइट? क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हमारे पास थीटा इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे हमारे पास थीटा इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे हमारे पास वाई इंक्रीज कर रहा है, और ठीक उसी तरीके से हमारे पास एक्स डिक्रीज कर रहा है। आई होप यू गेट दैट पॉइंट। अगर ये बात तुम्हें समझ में आती है तो तुम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझना शुरू कर रहे हो। कैसे? साइन थीटा में, राइट, हमारे पास वाई अपॉन आर है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, आर तो कॉन्स्टेंट है किसी भी फ्रैक्शन में, अगर मेरा डिनोमिनेटर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज कॉन्स्टेंट एंड न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग, कैन आई से दैट द फ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग? यस, एंड दैट इज द रीजन साइन थीटा की वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये लगातार इंक्रीज करती जाती है। साइन जीरो कितना था? जीरो था। लेट्स गेट बैक टू द टेबल। साइन जीरो तुम्हारे पास कितना था? साइन जीरो वाज जीरो। उसके बाद इट इज कमिंग आउट टू बी 1/2। व्हाट इज 1/2? इट इज ऑलमोस्ट 0.5, राइट। जीरो था, 0.5 वन बाई रूट टू। रूट टू कितना होता है? 1.4 के आसपास होता है ना, 1/1.4 कितना हो जाएगा? अगर तुम इसको देखोगे ये लगभग 0.7 होगा। कितना होगा? 0.7 होगा। रूट 3/2 कितना होगा? रूट 3 होता है 1.7/2, यानी कि 0.85 होगा। और ये कितना है? 1। तुम्हें दिख रहा है 0.5, 0.7, 0.85, 0.1, इट इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, राइट। ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, राइट? हमें हर चीज़ समझनी है, रटनी नहीं है, मैथमेटिक्स में कुछ भी रटने का नहीं है, हर चीज़ समझ में आने का है, ठीक है? तो हमें समझ में आता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, डिनोमिनेटर इसका कॉन्स्टेंट है, आर इज अ फिक्स लेंथ, वाई की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, राइट। पी वन क्यू वन इज स्मॉलर देन, जैसे थीटा इंक्रीज हुआ तो पी टू क्यू टू, ये वाला वाई इससे बड़ा है, ठीक है? तो इसीलिए तुम्हारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। एंड सिमिलरली यू ऑल्सो रियलाइज कि कॉस थीटा क्या होता है? जीरो, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है? क्योंकि जो हमारे पास इसका डिनोमिनेटर है ये भी कॉन्स्टेंट है, और न्यूमरेटर क्या है? एक्स, और एक्स हमारे पास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वाई इज इंक्रीजिंग एंड एक्स इज डिक्रीजिंग, एंड दैट इज वाई वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारे पास इस तरीके से साइन थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चाहें तो इस बात को लिख लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है? बल्कि जब मैं फंक्शन बोल रहा हूँ तो मुझे थीटा की जगह पे एक्स लिखना चाहिए, है ना? क्योंकि फंक्शन में हमेशा एक जनरल वैल्यू के लिए होता है, तो मुझे साइन एक्स लिखना चाहिए, ओके? साइन एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और कॉस एक्स के बारे में क्या बोलूँगा? दैट इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है? वो उसकी वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है, ओके? व्हाट कैन यू से अबाउट टैन एक्स? टैन थीटा के बारे में क्या कहोगे? देखो, अब एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर तो इंक्रीज हो रहा है और नीचे डिक्रीज हो रहा है, यानी क्या मतलब है? टैन एक्स तुम्हारा जो टैन थीटा होगा वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, बहुत तेज से इंक्रीज करेगा। इसका ऊपर न्यूमरेटर तो इंक्रीज कर रहा है और डिनोमिनेटर छोटा हो जा रहा है। अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को छोटा करूंगा तो बताओ उसकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी ना, या फिर न्यूमरेटर को बड़ा करूंगा तो भी वैल्यू बड़ी होती जाएगी। यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, न्यूमरेटर, यस, इसीलिए टैन थीटा बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है। अभी एक दो क्लास के बाद हम लोग इसके ग्राफ स्टडी करेंगे, तो तुम इस बात को अपने माइंड में याद रखना कि टैन थीटा बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है, तुम्हें ग्राफ में वाली चीज़ दिखेगी, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो, लेट्स अगेन गेट बैक टू द टेबल। हर चीज़ को अपने नॉलेज से लिंक करना है, ठीक है, ताकि हम चीज़ों को परमानेंटली समझ सकें। टैन थीटा कितनी थी? जीरो थी, राइट। 1/√3 कितना हो जाएगा? √3 इज 1.7, तो 17 से देखेंगे लगभग ये 0.6 के आसपास आएगा, है ना? कितने के आसपास आएगा? 0.6 के आसपास आएगा। 0 है, 0.6 है, फिर 1 है, फिर 1.7 है, और यहाँ पे अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्या होता है? दैट इज समथिंग हाइपोथेटिकल वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू है, हाइपोथेटिकल है, राइट। ध्यान से, कितना रैपिडली इंक्रीज किया? 0 से 0.6, 0.6 से 1, 1 से 1.7, एकदम से जंप कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ भी इंक्रीज था बट बहुत ग्रेजुअल था, 0.5, 0.7, 0.85, 1, बेचारा धीरे धीरे चल रहा है, राइट। कैसे चल रहा है? कछुए की तरीके से चल रहा है, हैं?
और tan थीटा देखो तो एकदम से कैसे हो जा रहा है, tan थीटा आपके पास खरगोश की तरीके से चल रहा है, क्या बोल रहे हो बोलो, कौन सा जीरो कैसे हो रहा है, नीचे फिर से जीरो हो रहा है, अब ये 180 पे जाके जीरो हो रहा है ना। अभी तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं, राइट। अभी हम तो सिर्फ 90 तक को देख रहे हैं, 90 तक को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा इसको देखते हैं आखिर हमारे पास ऐसी और क्या चीज़ें हैं। ओके, अभी तक हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखा कि क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं, राइट। आइए थोड़ा सा और इसको हम आगे बढ़ाते हैं और उसको देखते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। जब ये एंगल बढ़ता हुआ तुम्हारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, राइट। ये वाला एंगल तुम्हारे पास यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है, दिस एंगल। तो ट्राइंगल जो बन रहा है, ट्राइंगल, उस ट्राइंगल में तो ये एंगल है ना, राइट। अगर ये तुम्हारे पास अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल कितना है, कैन यू से इट इज़ पाई माइनस अल्फ़ा, और यू शुड से 180 माइनस अल्फ़ा, एक ही बात है ना, पाई और 180 में डिफरेंस नहीं है, हम अभी रेडियंस में कंफर्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, राइट, ये क्या है, ओरिजिन ओ, ये पॉइंट क्या है, पी। तो ये जो मेरे पास ओ पी पॉइंट है, राइट, अब मैं इसमें एक्स और वाई के बारे में क्या कहूँगा, व्हाट कैन आई से अबाउट एक्स एंड वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट है, एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बच्चों, नेगेटिव है, और वाई क्या है, पॉजिटिव है, राइट। सो इफ़ यू अगेन गेट बैक टू द सेम थिंग कि आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये जो वैल्यूज हैं, राइट, साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर यानी कि वाई अपॉन आर, राइट, दिस वॉज योर फिक्स रेडियस आर। कॉस थीटा क्या था, एक्स अपॉन आर, और टैन थीटा क्या था बच्चों, दैट वॉज वाई अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर एक्स। समझने की बात यह है, ये सब लेंथ हैं, एक्स भी एक लेंथ है, एक्स भी एक लेंथ है, राइट, वाई भी एक लेंथ है, आर भी एक लेंथ है, बट क्योंकि हम इसको क्वाड्रेंट सिस्टम पे मूव करा रहे हैं तो एक्स यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव हो जा रहा है। जब हमारे पास अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, जब हमारे पास एंगल सेकंड क्वाड्रेंट, जब ये रेडियस रोटेट होके सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाती है, राइट, दिस वन इज कमिंग हियर, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये कहाँ पहुँच गए हम लोग, हम लोग यहाँ पहुँच गए सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे हमारे पास एक्स नेगेटिव हो गया। तो सोचो ज़रा, साइन थीटा, जब थीटा तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, राइट, तो यहाँ पे तुम अगर सोच के देखो, y पॉजिटिव है, r हमेशा पॉजिटिव, बिकॉज वो फिक्स लेंथ है, तो मैं s के बारे में क्या बोलूँगा, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, यस yes. क्या सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव है, नहीं, नेगेटिव अपॉन r, r तुम्हारा पॉजिटिव है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। टैन के बारे में क्या कहेंगे, वाई तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव। यहाँ से आप इस बात को समझते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, और अगर साइन पॉजिटिव है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कोसेक भी पॉजिटिव होगा, सर्टेनली यस, राइट, हमारे पास कोसेक भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज साइन और कोसेक में सिर्फ इनवर्स का ही तो रेशियो है भाई, वाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, वो आर अपॉन वाई हो जाएगा, आर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, आर अपॉन वाई भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा था ना ए एस टी सी, जो ऊपर देखो रेड में लिखा हुआ है, इसका यही मतलब है, यहाँ सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, ठीक है। आओ जरा थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, राइट। सो अभी तक हमने सेकंड क्वाड्रेंट देखा, आओ अब हम लोग जरा थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, जो हमारे पास ये रेडियस थर्ड क्वाड्रेंट में मूव किया तो इस समय क्या होगा, आइए हम इस बात को स्टडी करते हैं, राइट। मैंने इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लिया, नाउ दिस पॉइंट पी इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड वी आर वेरी श्योर कि ये जो एंगल हमारे पास, देखो ये एंगल हमेशा कहाँ किसके रेफरेंस में मेजर होता है, मैंने तुम्हें बार बार बताया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस में मेजर होता है, बट ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो तो ये वाला एंगल है ना भाई, राइट। इसको तुम क्या कह सकते हो कि ये तुम्हारे पास जो टोटल अल्फा है, ये जो अल्फा तुम्हें दिख रहा है, इस अल्फा के बारे में आप क्या कहोगे, इट इज़ पाई प्लस थीटा, ये थीटा तुम्हारे पास, ये ट्राइंगल वाला एंगल अगर थीटा है तो यह है क्या, पाई प्लस थीटा है ना, है ना, तुम अगर डिग्री में बोलना चाहो तो क्या बोलोगे, 180 डिग्री प्लस थीटा बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। अब अगेन अगर तुम वही अपना पुराना साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की बात करो, तो साइन थीटा तुम्हारे पास क्या था, वाई अपॉन आर, कॉस थीटा तुम्हारे पास क्या था, एक्स अपॉन आर, और टैन थीटा तुम्हारे पास क्या था, वाई अपॉन एक्स। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव की,
तो ये क्या है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, बिकॉज आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो साइन थीटा मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। कॉस थीटा एक्स अपॉन आर, एक्स इज नेगेटिव, आर इज पॉजिटिव, ये भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। बट टैन थीटा देखो तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव और एक्स भी नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंड दैट इज द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यू हैव एवरीथिंग पॉजिटिव, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट यू हैव ओनली साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल विच इज कोसेक इज पॉजिटिव, इन द थर्ड क्वाड्रेंट इट इज ओनली टैन एंड इट्स रेसिप्रोकल विच इज कॉट इज पॉजिटिव, राइट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ओनली कॉस वुड बी पॉजिटिव, ठीक है। कॉस कैसे पॉजिटिव होगा, आओ जरा इसको भी देख लेते हैं, लेट्स हैव अ लुक हियर, है ना। हम लोग इसको कहाँ लेके चलते हैं भाई, इसको हम लेके चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस एंगल को रोटेट करते हुए अपन लेके चलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में जल्दी से पहुँच जाओ, और फिर हमें जल्दी से इसकी एनालिसिस देखनी है कि आखिर ये चल कैसे रहा है, राइट, हाउ इज दिस वर्किंग, वी वॉन्ट टू चेक दैट। तो ये हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, राइट। अब अगर तुम यहाँ पे इस बात को समझ रहे हो तो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है वो मान लो तुम्हारे पास कितना है, थीटा है, कितना है बच्चों, थीटा है, राइट। अब मैं अगर बोलूँ कि बताओ टोटल एंगल कितना है, ये अल्फा की अगर मैं बात करूँ तो अल्फा के बारे में क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ इट इज़ 2π माइनस थीटा, राइट। और क्या बोल सकता हूँ, 360 डिग्री माइनस थीटा बोल सकता हूँ क्या, सर्टेनली येस। और क्या बोल सकता हूँ बच्चों, अच्छा मैंने ये भी तुम्हें बताया था कि अगर ये अभी क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो पॉजिटिव ही होगा, बट अगर ये क्लॉकवाइज मूव करके आया होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको सिर्फ माइनस थीटा बोल देते, है कि नहीं। ये सारी बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, अच्छा वेरी गुड। बट क्योंकि अभी अल्फा है तो अल्फा तो साफ साफ दिख रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है तो माइनस थीटा नहीं बोलेंगे, है ना, बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूम गया है तो इसको हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। अच्छा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एंगल कितना है, ये तो 270 है, यानी कि 3π/2 है ना, 3π/2। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, π/2 माइनस थीटा हो जाएगी, है ना। दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल, तो 3π/2 में मैं क्या ऐड करूँगा, π/2 माइनस थीटा, जिसको तुम अगर देखोगे तो ये कुछ और नहीं, यही वैल्यू दे देगा तुम्हें 2π माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं अपने वही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की, तो यहाँ तुम्हें समझ में आता है कि x तो पॉजिटिव है लेकिन y क्या है, नेगेटिव है, तो साइन थीटा कॉस थीटा या फिर टैन थीटा, इनकी ज़रा बात करेंगे। ये क्या था, y अपॉन r, ये क्या था, x अपॉन r, और टैन थीटा क्या था आपके पास, y अपॉन x। y तुम्हारे पास नेगेटिव है, r ऑलवेज पॉजिटिव है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव हमारे पास नेगेटिव होता है। कॉस थीटा, x इज पॉजिटिव एंड r इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, व्हाट इज दैट, दैट इज नेगेटिव, एंड दैट इज वेयर यू रियलाइज व्हाट इज दिस ASTC। कभी भी कोई भी मेरे पास वैल्यू आएगी, राइट, बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, कोई भी वैल्यू आएगी तो हमेशा जो है हम उसका साइन किससे चेक करेंगे, ASTC से चेक करेंगे। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे सपोज करो बेटा मैं आपसे बोलता हूँ बताओ साइन π/6 कितना होगा, जो तुम्हें आता है पहले शुरुआत वहाँ से करते हैं, साइन π/6 कितना होगा, राइट। आप में से कुछ लोग जो अभी 11th में एंटर किए हैं वो π/6 को देखने में अभी थोड़े अनकम्फर्टेबल हैं, तो मैं आपको याद दिला दूँ π/6 कितना है, 30 डिग्री है। अब तुम्हें ये वैल्यू याद आती है क्या, कितनी आती है, हाँ 1/√2। अच्छा, तो 45 डिग्री कितना था बेटा, साइन 30 डिग्रीज हाफ। आपको वैल्यूज अभी याद नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, साइन 30 डिग्रीज व्हाट, दैट इज हाफ, ओके। अब देखो जो बताना चाह रहा हूँ उस पे ध्यान दो, ये तुमने 30 डिग्री पे एंगल बनाया, ठीक है, हमें समझ में आता है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ है, ठीक है, हाफ है। बहुत प्यार से सुनना, क्यों, देखो तुम्हारे पास यहाँ कुछ तो परपेंडिकुलर होगा, कुछ तो परपेंडिकुलर होगा और कुछ तो यहाँ पे हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस इस सर्कल का फिक्स है, राइट। मैं कहीं भी कितना ही एंगल इसको घुमा दूँ, एच तो फिक्स है ना यार, इट इज़ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, इट विल रिमेन फिक्स। व्हाट इज वेरिंग, द परपेंडिकुलर एंड द बेस, एक्स एंड वाई, दैट इज द वेरिएबल थिंग, बट आर इज फिक्स, ओके। सो व्हेन आई रोटेट इट, राइट, अगर मैं इसको 150 डिग्री रोटेट करता हूँ, कितना, 150 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
तो अगर मैं इसको 150 डिग्री को अगर मैं रेडियंस में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा, इसका 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो जो ट्रायंगल बन रहा है, जो ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल में तुम्हारे पास कौन सा एंगल है, 30 डिग्री या कह लो पाई बाई 6, राइट। यानी तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जितनी वैल्यू साइन पाई बाई 6 की है उतनी ही वैल्यू साइन 5 पाई बाई 6 की है। क्यों? क्योंकि भाई रेशियो तो इस ट्रायंगल में भी उतना ही है पी अपॉन एच का, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। इसी वजह से ये वैल्यू सेम होती है, ओके। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहीं पे अगर मैं कॉस की बात कर लेता, राइट, अगर मैं आपसे बोलता कि बताओ कॉस पाई बाई 6 कितना होता है, हाँ भाई कितना होता है श्रेष्ठ, जब कोई पूछे क्या तो समझ जाओ वो बताना नहीं चाह रहा है, ठीक है। देखो तो कॉस पाई बाई 6 कितना होता है भैया, रूट 3/2 होता है, ठीक है। 30 डिग्री रूट 3/2 होता है, मैंने तुम्हें याद भी कराया था, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो यार, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं कॉस की बात करूँ तो कॉस हमारे पास क्या है, हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस है। तो जितना बेस यहाँ पे होगा उतना ही बेस यहाँ पे होगा। सिमिलर ट्रायंगल्स नाम की कोई चीज़ तुमने पढ़ी है क्या? पढ़ी है ना, एंगल सेम है, साइड सेम है, ये हाइपोटेनस का लेंथ बराबर है, तो ये क्या है, ये कंग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। ये कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री है, ध्यान से देखो 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो तीसरा भी बराबर होगा, एक साइड भी बराबर, ठीक है, कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो यहाँ पे जो मेरे पास कॉस 150 आएगा, यानी कि 5 पाई बाई 6 आएगा, कॉस ऑफ 5 पाई बाई 6, उसकी वैल्यू भी रूट 3/2 ही होगी, लेकिन वो नेगेटिव होगा, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है हमारे पास, ASTC, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। मेरी बातें मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आसान अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आओ थोड़ा और देखते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, हालांकि हमने इस बात को अभी स्टडी कर लिया, राइट, हमने इस बात को देखा, हमने क्या देखा बच्चों, देखो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा जनरलाइज करता हूँ, ठीक है। आप अगर देख रहे हैं तो ये जो हमारे पास साइन एक्स है, राइट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, इंक्रीजिंग है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है बच्चों, 0 से ले करके और पाई बाई 2 तक, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हाँ अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन हो तो बस ये रेडियस को घुमा देना, सर्कल में रेडियस को घुमा देना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, देखो तुम्हें दिख रहा है क्या, वाई डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज होते होते कहाँ पहुँच गया, 0 पे पहुँच गया, इसीलिए तुम्हारे पास साइन 180 कितना था, 0 था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए और इसको हमें ध्यान भी रखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू मेरे पास क्या हो रही है, डिक्रीजिंग है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या है मेरे पास, पाई बाई 2 से लेकर के पाई, है ना, 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। अगर मैं तुमसे बोलूँ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव तो है ही है, लेकिन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज एक कर रहा है, इंक्रीज एक कर रहा है, डिक्रीज मतलब दोनों में से कोई एक तो सही बोल ही रहा है। तुम में से लोग कुछ कहना चाहेंगे इंक्रीज की डिक्रीज, आओ तुम्हें वो सर्कल दिखाते हैं, शायद तुम कुछ सही गेस कर सको, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, दैट इज द क्वेश्चन। सो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम जैसी देख रहे हो तो वाई तो इंक्रीज कर रहा है, राइट, वाई क्या हो रहा है, वाई तो इंक्रीज हो रहा है। देखो ध्यान से, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वाई इंक्रीज हो रहा है। अब क्योंकि वाई इंक्रीज हो रहा है तो सर्टेनली न्यूमेरिकली तो वैल्यू इंक्रीज होगी बच्चों, न्यूमेरिकली तो वैल्यू इंक्रीज होगी। मुझे एक सवाल का जवाब देना, राइट, 0.7 बड़ा है या 0.5 बड़ा है, सर्टेनली 0.7 बड़ा है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहता हूँ -0.7 बड़ा है कि -0.5 बड़ा है, तो तुम्हें शायद पता है -0.5 बड़ा है। इसीलिए तुम्हारे पास यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, डिक्रीजिंग रहता है। वाई, बिकॉज न्यूमेरिकली तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, बट वो नेगेटिव में बढ़ रही है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है।
What is the angle here? The angle is pi till 3 pi by 2. बात समझ में आ रही कि नहीं? फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में अब यहां क्या हो रहा है भाई? इंक्रीज की डिक्रीज, वही सर्कल घुमाओ ना, ध्यान से देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं न्यूमेरिकली वैल्यू छोटी होती जा रही है, क्यों? क्योंकि आर तो फिक्स है, वाई क्या हो रहा है? वाई डिक्रीज हो रहा है, राइट? जैसे जैसे आप थर्ड क्वाड्रेंट में आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास वाई क्या हो रहा है? वाई डिक्रीज हो रहा है। देखो ध्यान से देखना, ये देखो वाई अभी बड़ा था, राइट, लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे जाकर के 2π पे कितना हो गया? फिर से 0 हो गया। तो ये वाली चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि वाई डिक्रीज हो रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे इसका साइन नेगेटिव था कि पॉजिटिव था? द साइन वॉज नेगेटिव, राइट, क्योंकि नेगेटिव है और वैल्यू न्यूमेरिकली वो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो ये क्या है यहाँ पे? इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, 3π/2 से लेकर के 2π तक। एंड सिमिलरली वी कैन चेक फॉर कॉस, ठीक है, हम इस तरीके से किसी भी वैल्यू के लिए देख सकते हैं। जैसे अगर तुम कॉस के लिए बात करो तो कॉस हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? डिक्रीजिंग फंक्शन था, ये वाली बात हमने देख रखी है, ठीक है।